अल्लाह के शुक्र से हम सब ठीक हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर करते हैं अपने व्लॉग का आगाज। वीडियो में बढ़ने से आगे आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन को दबा दें। और गाइस आज भी शेयर करने लगे हैं अपने कमरे की सेटिंग, और आप लोग देख सकते हैं मेरे कमरे की सेटिंग। पहले मेरे ये वाले सोफे जो है यहाँ रखे हुए थे, और ये वाला यहाँ रखा हुआ था। पहले भी मेरी वीडियो में सेटिंग तो है, और ये वाला गद्दा मैंने वहाँ रखा हुआ था, ये देखिए। और आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बता रहे हैं कि मेरे कमरे की सेटिंग कैसी लगी। आप लोग कमेंट करते थे, हमारा हौसला अफजाई जो है वो बड़ा रहता है। और गाइस भतीजा आया मेरा छोटा वाला, कह रहा है भाभी लोग भी आ रहे हैं, तो देखते हैं आते हैं। जब वैसे झूठ बोल रहा होगा पता नहीं, जैसे कि मजाक बच्चों के साथ खेलने आता है ना, तो बोल देता है मेरे अम्मी लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो सही है, मैं बच्चों को भी नहला लेती हूँ, रिजा उसको नहला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़े से जैसे कि थोड़े से मेरी व्यूज़ बढ़ने लगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। गाइस हमें ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट किया करो, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं अपने चैनल पे हूँ पर मेरे कोई सपोर्ट नहीं हो रही। तो गाइस ये देखो, रिजा ने बाल खोले हैं और उसने टॉयलेट खोले हैं, वो तो कल के खोल कर घूम रही, जिम बन कर घूम रही है। अब इसको भी मैंने नहलाना कह रही है, पहले रिजा को चलो नहलाओ, कह रही पहले रिजा को नहलाओ फिर मुझे नहलाना। मैं रिजा को नहला कर लाके फिर तुम्हारे साथ बात करती हूँ। चलो अब ये लोग कंचे खेलने पे लगे हैं। चलो नहा लो, चलो उठो। तो गाइस बच्चों को नहला कर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस रिजा रोज जो है नहा कर आ गई है, अब इसको मैंने लगा दिया तेल बालों पे, और ये कह रही है मेरी चोटी नहीं बांधो, पहले रिजा के बांधो। हर काम इसका पहले बोलती है रिजा का करो और फिर बोलती है मेरा करो। लेकिन अभी तो फिलहाल मैंने दोनों को पकड़े हुए हैं, इनकी बांधो की चुटियाँ। लाओ रिजा बाल दिखाओ, ये देखो गाइस इसके बालों को मैंने लगा लिया है तेल, और ये आ गई हैं दोनों। ये देखें रिजा रूज ने चोटी भी बांध ली, अच्छी से नहाई भी कर लिया। दिखाओ दिवस को चोटी दिखाओ, ये देखो, ये देखो रिजा रूज ने चोटी बांध ली है। और ये बहुत अच्छे बच्चे अब ये खेलने लगे हैं। मैंने कहा पहले वो भाभी लोग आएंगे तब तक इनको रेडी कर लेते, अब देखते हैं भाभी लोग आते हैं या नहीं आते। और गाइस ये जो रूज फातिमा ना चोटी बहुत देर से बांधती है, ये गंदी बच्ची है। पता क्या ये बोलती है कि मुझे ना ये मेरे बाल जो है ना चुभते हैं, यानी कि जब मैं इसके कंघी करती हूँ ना तो कंघी लगती है इसके बालों में ना, ये बाल इसके जैसे एक दूसरे में उलझ जाते हैं ना, तो इसीलिए बोलती है मेरे लिए ब्रश वाला कंघा लेकर। मैं जब भी बाजार जाती हूँ वही कंघा भूल कर आ जाती हूँ, लेकिन उसे थोड़े आसानी से हो जाते हैं ना बाल, इसलिए उलझते नहीं है इस वाले कंघे से, उलझते हैं और ये फिर सुलझाती नहीं है अपने बाल। तो गैस माशाल्लाह से यहाँ पे बड़ी भाभी लोग और बड़ी सिस्टर भी आ गई थी, उनके बच्चे माशाल्लाह ये देखें रिजा रूज के साथ खेल रहे हैं माशाल्लाह से। ये रूज की मस्तियाँ देखो, ये रूज भी मस्तियाँ कर रही है। और फिर सब लोग बैठे हुए थे तो फिर हमने सोचा खाना बनाते हैं, तो हमने मैंने जो कल मेरी वीडियो में आप लोगों ने आलू पालक देखी हुई थी, देखी तो होगी, वो मैं आलू पालक बनाने लगी थी। फिर बच्चों ने बोला नहीं पप्पू हमें दाल चावल खाने की, तो वो दाल चावल के बहुत शौकीन है भाई वलीद जो है ना, तो फिर हमने दाल चावल बनाई और ये देखी माशाल्लाह से बनकर तैयार हो गई। आप लोगों ने खानी है तो बिस्मिल्लाह करें, आ जाएँ आप लोग खा सकते हैं। और हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दोबारा, और प्लीज़ हमें सपोर्ट किया करें। आप लोग सपोर्ट करने से हमारा हौसला अफजाई बढ़ता है आप लोगों की कमेंट करने से। और ये देखें माशाल्लाह सबको हमने कर दी सर्व, और अब हो गया जी टी टाइम, और खाना वाना खाकर फिर हमने टी टाइम किया। अल्लाह पाक आपको दुनिया और दुनिया की तमाम खुशियों से फरमाए, अल्लाह पाक का फिर बरकत।